रोल में ऑब्वियसली इंटरेस्ट है जहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है. इसका मतलब नहीं कि लड़की को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए. मैं चार फुटिया भी नहीं हूँ. थैंक यू. एक्चुअली इस फिल्म में 3-4 फुटिया छोकरे थे. अभी शूट के दौरान तो अभी 5 फुटिया के हो गए हैं. बट द बैकड्रॉप इज सोशल, द सोशल इश्यू ऑफ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बट इट द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू माई कैरेक्टर नेहा मालिनी, जो बाहर से आती हैं और वो स्कूल बनाना चाहती है बिहार के गाँव में, और फिर वो कैसे उलझ जाती है गाँव के डर्टी पॉलिटिक्स में, क्या क्या होता है, वो कैसे लड़ती हैं सब. दैट्स व्हाई द टैगलाइन इज नॉट अलोन, क्योंकि वो सबका सामना करती हैं अकेले. मतलब गाँव में पंगा लेना, अकेली लड़की को पंगा लेना, इट्स नॉट रियली एडवाइजेबल, लेकिन नेहा करती है बिकॉज शी इज स्ट्रॉन्ग. अब आपकी फिल्म जब लग रही है, रिलीज हो रही है, दोनों बात करें, मुझे कुछ नहीं दे रहे. मैम जब आपकी फिल्म अभी रिलीज हो रही है, थोड़े टाइम फ्राइडे में भी अभी रिलीज होगी, तो कैसा लग रहा है आपको? नर्वस, एक्साइटेड? मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं नर्वस और एक्साइटेड दोनों नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब होते हैं तो देन इनएविटेबली यू फील कि ओ आई विश इट वाज बेटर, आई विश इट वाज बेटर. आई थिंक नाउ द प्रोड्यूसर्स शुड फील नर्वस. मैंने तो अपना काम कर लिया है, अभी फिल्म ऑडियंस के हाथों में है, एंड दे जस्ट हैव टू सी द फिल्म. देयर इज नो पॉइंट बीइंग नर्वस नाउ, अभी इट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल. आई थिंक कि मुझे मतलब रोल में ऑब्वियसली इंटरेस्ट है जहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है. इसका मतलब नहीं कि लड़की को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए. कभी कभी जैसे कि नेहा भी इस फिल्म में फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक मर्दानी काइंड ऑफ, शी इज बीटिंग अप पीपल बिकॉज दैट विल बी डिफिकल्ट. लेकिन एक जो मानसिक शक्ति होती है, एक जो आत्मिक शक्ति होती है, वो वाली जो नारी शक्ति रूप है, हम ज़्यादा वो दिखा रहे हैं. ऑब्वियसली जहाँ पे आपको एक मजबूत रोल मिलेगा एज एन एक्टर, यू विल बी एक्साइटेड टू डू दैट. जहाँ आप इतनी हटके फिल्म कर रहे हैं, जो इतना अच्छा रोल कर रहे हैं आप, अच्छा इनको बोलने दीजिए. वेल आई रिमेंबर 1960 एक पिक्चर आई थी गाइड, वहीदा जी उस फिल्म का हिस्सा थी, एंड देयर हैज नेवर बीन अ मोर प्रोग्रेसिव रोल रिटन फॉर अ वुमन टू डेट. बट ऑफ कोर्स इस साल स्पेशली 2014 हैज बीन ग्रेट फॉर वुमेन, स्टार्टिंग विद क्वीन एंड रागिनी MS2, मर्दानी, मैरी कॉम. दीज फिल्म नॉट ओनली उनको क्रिटिकल अप्रिसिएशन सिर्फ नहीं मिल रहा है, उनको बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिल रही है. दैट आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग. अब मैम आपने जब 31 अक्टूबर और ये फिल्म की है, और ये करने के बाद आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया, और क्या चैलेंजेस है जो आप ओवरकम हुई है इन फिल्मों के दौरान? ओहो, इतने सारे. हर फिल्म में चैलेंजेस होते हैं और हर फिल्म चेंजेस यू इन अ सर्टन वे. चार फुटिया छोकरी में मुझे ड्राइविंग सीखनी थी, क्योंकि मुझे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती है. अभी मैं ऑटोमेटिक सीख सकती हूँ, अभी मुझे मैनुअल सीखना पड़ेगा. और 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर में मुझे पंजाबी सीखनी थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम प्लेइंग अ सरदारनीज रोल, और वो एक दिन की कहानी है. सो अगेन इट्स अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, वो कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के 24 घंटे बाद, क्या बीतती है इस फैमिली के ऊपर. बट मेनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स मुझे जो सीखना था, जस्ट लिटिल बिट ऑफ डिक्शनरी, लिटिल बिट ऑफ पंजाबी. चार फुटे छोकरे की बात करें तो खबरें आई थी कि आपको चोट लग गई थी सेट पे. हाँ, मैंने ही सबको बताया कि मुझे चोट पड़ी. मैंने खुद अपने कैमरा से, अपने फ़ोन कैमरा से तस्वीरें लेती, क्योंकि एक वो इमोशनल सीन है जो पोस्टर में है, जहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है मेरे और कुछ गुंडों के बीच में, और जितना मैं स्ट्रगल कर रही थी उतना मैं अपने आप को चोट पहुँचा रही थी. सो आई ब्रूजेज ऑल द वे अप एंड डाउन माय आर्म्स, घुटने के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रूज था. तो वो शूटिंग के दौरान आपको पता नहीं चलता है, सिर्फ घर जाने के बाद मुझे पता चला. उस वक्त मैंने पिक्चर लेके अपने प्रोड्यूसर को भेज के कहा कि मैं देखो मैं कितनी कमिटेड एक्टर हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.